देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। कोरोना देश में जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया कोविड पॉजिटिव, दोनों घर पर ही क्वारंटीन। कोरोना दुनिया में अरब देशों में भी मामले बढ़े, सऊदी अरब में अगस्त के बाद पहली बार 1000 से ज्यादा केस, यूएई में 2500 का आंकड़ा। जम्मू के अर्दिया में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठी को मार गिराया। 15 से 18 साल वालों का वैक्सीनेशन आज से, 10 करोड़ बच्चों को दी जानी है वैक्सीन, 2 दिन में 7,90,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। एलओसी में भारत में घुस रहा पाक सैनिक, ढेर भारतीय जवानों ने गोलियों से भून डाला, भारतीय सेना ने कहा अपने सैनिक का शव ले जाए पाकिस्तानी आर्मी। यूपी में असली खेल को मिला बढ़ावा, मेरठ में बोले पीएम मोदी, पिछली सरकार में अपराधी खेल खेलते थे, आज योगी माफिया के साथ जेल जेल खेल रहे हैं। एमपी में कोरोना, इंदौर में संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल, 110 नए संक्रमित, भोपाल में 4 महीने का बच्चा पॉजिटिव। पंजाब में मुख्यमंत्री वर्सेस गवर्नर, अफसरों की टीम लेकर राज्यपाल से मिलेंगे सीएम चन्नी, 36,000 कर्मचारियों को पक्का करने पर हुए आमने सामने। शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट, नेपाल शारदा नदी का पानी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक लाया जाएगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। चीन की अब जर्मनी को धमकी, कहा ताइवान की आजादी का समर्थन ना करे, इस मामले में कोई समझौता नहीं। भारतीय ने पूरा किया मस्क का सपना, टेस्ला कार की ऑटो पायलट प्रोजेक्ट टीम के हेड हैं अशोक, एलन मस्क बोले टीम में सिलेक्ट होने वाले मेंबर थे एल्लू स्वामी। जोहान्सबर्ग में होगी रिकॉर्ड्स की बरसात, 6 विकेट लेते ही एक साथ 3 दिग्गजों को पीछे छोड़ेंगे अश्विन, कोहली रच सकते हैं इतिहास। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट, जोहान्सबर्ग में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया, बारिश बन सकती है रास्ते का रोड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब श्रमिकों को सौगात, ई श्रम कार्ड योजना के तहत सीएम योगी श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। ओमिक्रॉन से लड़ने को अस्पतालों में आज फुल रिहर्सल, प्रयागराज समेत यूपी के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में पहुंचेंगे विशेषज्ञ। चौथा गैंगस्टर को लगा 32 करोड़ का झटका, मुजफ्फरनगर 2021 में माफिया की संपत्ति हुई जब्त, 283 पर लगा गैंगस्टर। टिकट बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कर रही सपा, सुल्तानपुर में 2 पूर्व विधायकों के टिकट पर लटकी तलवार, मोदी लहर में थे 3रे स्थान पर। पड़ोसी राज्यों में दवाई और कड़ाई, यूपी में ढिलाई, दिल्ली बंगाल और हरियाणा में मिनी लॉकडाउन, यूपी में 2 दिन में डबल हो रहे केस, फिर भी प्रतिबंध नहीं। जम्मू कश्मीर में बीआरओ का अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिरा, देविका नदी पर हादसे में 27 मजदूर घायल। अतीक के छोटे बेटे पर भी घोषित होगा इनाम, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहा अली, पकड़ने के लिए घर समेत कई ठिकानों पर छापे। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।